हेलो दोस्तों, आज हम अजमेर शरीफ दरगाह में, और अजमेर शरीफ दरगाह में मैं आपको एक ज़ियारत कराने वाला हूँ जो कि यहाँ पर झलरा है, जहाँ ताजी शरीफ ठंडे होते हैं। तो आप अगर वीडियो पर आ गए तो वीडियो पर बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि अजमेर शरीफ झलरे की ज़ियारत जिसने नहीं करी वो भी ज़ियारत कर ले। तो दोस्तों, वीडियो का मकसद यही है ज़ियारत कराने का आपको अजमेर शरीफ झलरे की, कि वो झलरे में जो है अजमेर शरीफ की जो ताजी शरीफ बनते हैं, यहाँ पर मुहर्रम की जो ताजिए बनते हैं वहाँ पर ठंडे होते हैं, और झलरे शरीफ से इतना भी पानी है वो झलरा शरीफ से दरगाह में सप्लाई होता है वज़ू वगैरह पर, और वहाँ पर जो है मन्नत और मुरादें पूरी होती है लोगों की। तो आइए चलते हैं झलरा शरीफ की, मैं आपको ज़्यादा कह देता हूँ कि क्या है झलरा शरीफ। ये देख रहे हैं आप, ये अजमेर शरीफ झलरा शरीफ है जो कि यहाँ पर मुहर्रम में जो है ताजी शरीफ यहाँ पर ठंडे होते हैं, और काफ़ी एहतराम से यहाँ पर लोग मुरादें और दुआएँ करते हैं, और आपको ये अलम नज़र आ रहा होगा यहाँ पर लगा हुआ। तो दोस्तों, मैं भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो है काफ़ी ज़ायरीन जितने भी मेहमान आते हैं वो काफ़ी मन्नतें मांगते हैं अपनी, और फूल चिरागी है वहाँ पर झलरे में, तो पानी आया हुआ तो काफ़ी फूल चिरागी ऊपर की तरफ ही करके इमाम अली मकाम से दुआ करते हैं यहाँ पर। और आपको नीचे नज़र आ रहा होगा एक कलम लगा हुआ और डोली, इसी जगह पर ताजी शरीफ को ठंडे किए जाते हैं मुहर्रम के अंदर। 10 तारीख को रात में यहाँ पर सवारी आती है, यानी कि 11 तारीख को सुबह यहाँ पर ताजी शरीफ ठंडे किए जाते हैं, और ये इमाम अली मकाम का जो है झलरा है, और यहाँ से ही दरगाह शरीफ में पानी की सप्लाई दी जाती है। ये अलम वहाँ झलरे के अंदर लगा, और यहीं से अजमेर शरीफ दरगाह में पानी की सप्लाई दी जाती है, जो कि वज़ू में काम में आता है, और भी कई आरी बीमारी में जब लोग लेके आते हैं यहाँ से पानी तो काफ़ी फ़ायदा फेस मिलता है यहाँ पर। तो आपको अजमेर शरीफ से झलरा शरीफ की ज़ियारत की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जो बताना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।